रक्षा मंत्रालय की फाइल में यह लिखा है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी पेड ए हायर प्राइस फॉर रफेल देन द प्राइस पेड फॉर कतर एंड इजिप्ट एंड द ऑब्जेक्शंस ऑन द फाइल रीड एंड आई कोट एज पर द प्राइसेस रिफ्लेक्टेड इन डसॉल्ट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स इट हैज सोल्ड रफेल एट ए चीपर रेट टू कतर एंड इजिप्ट एज कंपेयर टू इंडिया. और मैं वो रिपोर्ट भी ले आया हूं, आपको जारी कर रहा हूं, डसॉल्ट एविएशन की, जिसका रक्षा मंत्रालय की फाइल में हवाला है. इस रिपोर्ट के मुताबिक 48 रफेल जहाज 24 ईच इजिप्ट और कतर को बेचे गए. इनकी एनुअल रिपोर्ट 2016 में ये लिखा है कि इन 48 जहाजों की कीमत यूरो 7.9 बिलियन है, जबकि हमारे 36 जहाज की कीमत यूरो 7.5 बिलियन है. इसका मतलब इजिप्ट को जो और कतर को जो जहाज बेचा गया उसकी कीमत है 1319 करोड़, और हमने जो जहाज खरीदा, जेटली जी ने बताया सदन के पटल पर 58,000 करोड़ के 36, तो वो है 1611 करोड़ का. तो यानी 291 करोड़ 31 लाख प्रति जहाज आप हिंदुस्तान में रफेल खरीदने के लिए अतिरिक्त क्यों दे रहे थे? राजस्व को चूना, कभी कीमतें बढ़ाकर और कभी महंगा खरीदकर और कभी सारी शर्तों की अवहेलना कर क्यों कर रहे थे? अब ये साफ है कि दाल में काला नहीं, जैसा राहुल जी ने कहा था, पूरी दाल काली है.